रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद धनेनवाल ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने अपने एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। विधायक ने कहा है कि उन्होंने अपने एक साल के कार्यकाल में क्षेत्र के लिए कई विकास कार्य किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से 35 करोड़ रुपए की रानीखेत ग्रामीण पेयजल योजना, 17.5 करोड़ की भवानी देवी पंपिंग योजना और सिलौर पंपिंग योजना और कई जगह पेयजल की समस्या को देखते हुए ट्यूबवेल लगवाए। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को बिच्छू घास से कपड़ा व हर्बल चाय बनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगवाए। रानीखेत से गोपाल सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। प्रमुख सड़कें हैं रामनगर भतरोजखान भिक्याशन बद्रीनाथ और रामनगर भतरोजखान रानीखेत और खैरनाम। इन दोनों सड़कों को विधिवत रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना, इसमें डामरीकरण करना, उनके चौड़ीकरण की मांग के लेकर के एक अनुरोध पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी को भेजने का जो हमारा जो फैसला है, निर्णय है हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा। हम सब ने निर्णय लिया है कि लगभग 1.25 लाख हस्ताक्षरों से युक्त एक प्रार्थना पत्र, एक अनुरोध पत्र अपने उच्च नेताओं को भेजेंगे, जिससे कि यहाँ पर हमारे पर्यटन के क्षेत्र में या हमारे इस क्षेत्र में रोजगार के क्षेत्र में और जो पलायन रोकने का काम होगा इन सड़कों के बनने से, ये उनसे उनको अवगत कराया जाएगा। और इसी के साथ ही साथ यहाँ किस प्रकार रोजगार के अवसर बढ़ें उसके लिए भी एक सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय जो हमारे केंद्रीय मंत्री उनको भेजा जाएगा।